नमस्कार लियो लियो यानी सिंह राशि मैं सुरेश कुमार ट्रिपल एस एन डी टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये थ्री कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच करती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। और ये 4 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो लियो इसमें सबसे पहले आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे, फिर देखते हैं कि आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं जो आपके पर्सन हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ। लियो के पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं। द टावर। लियो जो आपके पर्सन हैं, इस रिश्ते में जो पनौती आ रही हैं, जो बाधाएं रुकावटें आ रही हैं, जो समय के साथ कुछ भी सही नहीं चल रहा है, वक्त के साथ सही नहीं चल रहा, तो वो महसूस कर रहे हैं कि आपको इस नेगेटिविटी से बाहर आना चाहिए, उन चीज़ों को चेंज करना चाहिए, उन चीज़ों को बदलना चाहिए, पेशेंटली हैंडल करना चाहिए। अगर पेशेंटली हैंडल करते हैं तो धीरे धीरे करके चीज़ें सही हो सकती हैं और फिर से बिगनिंग शुरुआत हो सकती है। तो वो उन चीज़ों को पेशेंटली हैंडल करना चाहते हैं या वो चाहते हैं कि आप इसको पेशेंटली हैंडल करें। वो सोच रहे हैं, उनको फील हो रहा है कि अगर ऐसा होता है तो ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो लियो जो आपके पर्सन हैं, इस रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम है उसको हील करना चाहते हैं। हीलिंग और मेडिटेशन के बाद उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, तो उनके अंदर से एक ज्योति प्रज्वलित होगी जो उनका मार्गदर्शन करेगी। तो उस और इस रिश्ते में जो परेशानी, जो दुविधाएं आई हैं, वो सबसे पहले एक दूसरे से माफ़ी मांगना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे और नए सिरे से इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, उन पुराने दिनों को याद करेंगे जो इस रिश्ते में बाधाएं रुकावटें दे नहीं आने दे रहे थे। एक एक जो है भाग्य उनका साथ दे रहा था, एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे थे। एक यानी कि जो क्षण थे, जो पल थे, एक दूसरे के साथ अच्छे लगते थे। तो उन क्षणों को याद करते हुए, उन पलों को याद करते हुए, रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए वो इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर आप इस पनौती बाधाओं रुकावटों से समय को समय और वक्त देते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो ये बाधाएँ ख़त्म होंगी। और इसीलिए वो इस रिश्ते को हील करते हुए एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए रीयूनियन करने के बारे में सोच रहे हैं। फिर से वो चाहते हैं कि रिश्ता एक हो, फिर से इस रिश्ते में जो रुकावटें बाधाएँ वो ख़त्म हों और एक शुरुआत हो। भले ही इसमें एज डिफरेंस हो सकता है और कोई हो सकता है कुछ केसेस में कोई डाइवोर्स ही रहा हो एक तरफा, और या फिर इमैच्योर रहे हों, यानी कि एज डिफरेंस वैसे भी हो सकता है, लेकिन यंग एनर्जी के साथ मिलेंगे तो सारी चीज़ें ख़त्म होंगी और फिर से रिश्ता एक होगा, ऐसा वो फील कर रहे हैं। तो देखते हैं आप क्या महसूस करते हैं लियो। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। आप महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में एक तरफा सोचकर डिसीजन नहीं लेना चाहिए। आप भी महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में किस तरह से पॉजिटिविटी आए, किस तरह से रिश्ता आगे बढ़े। तो आपको फील हो रहा है कि डिटैच ना होते हुए, कोल्ड ना होते हुए, अगर निष्पक्ष भावना से दोनों पक्षों की सुनते हुए इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाएगा तो ये रिश्ता आगे जाकर खुशियों में तब्दील हो सकता है। तो आप इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं और आपको महसूस हो रहा है कि जो आपके पर्सन हैं, जो जिनकी वजह से इस रिश्ते में पनौती बाधाएं रुकावटें आई हैं, जो उन्होंने जो इकरार नहीं किया, जो कमिटमेंट वगैरह नहीं दिया, यानी कि
रिश्ते में इन एंड आउट की स्थिति रखी, आ रहे थे जा रहे थे, कोई कमिटमेंट नहीं, कोई इकरार नहीं, कोई ठहराव नहीं, तो जो इन एंड आउट की स्थिति रखी है, अगर वो पेशेंटली उन चीज़ों को हैंडल करते हैं, अपने आप को प्रिपेयर और रेडी करते हैं और थोड़ा सा इस रिश्ते में जो पनौती बाधाएं रुकावटें आई हैं उसमें अपने आप को थोड़ा यानी कि यूनिवर्स में आस्था लगाते हुए, कुछ चीज़ें यूनिवर्स के भरोसे छोड़ते हुए रेस्ट करते हैं, आराम फरमाते हैं, समय को समय और वक्त देते हैं, तो धीरे धीरे करके जब उनको लगेगा कि वो रेस्ट कर चुके हैं, वो आगे बढ़ने के लिए बिगनिंग शुरुआत कर सकते हैं, तो जब अगर वो एक दूसरे से बातें करेंगे, क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, दोनों एक दूसरे को समझेंगे, तो ये रिश्ता जो है अभी भी सोलमेट हो सकता है, अभी भी रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, अभी भी ये रिश्ता पॉजिटिव है, हो सकता है, ऐसा आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं या आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो इसमें जो आपकी सोच है काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी अच्छी है, अगर समय को समय और वक्त देते हुए जो दिल दुखा है, जो हर्टेड हुए हैं, जो प्रॉब्लम हुई है, वो ख़त्म होंगी और गिले सीखे ख़त्म होंगे, और इस रिश्ते की सिचुएशन को समझते हुए अगर आप स्टेबल बनेंगे, कमिटमेंट वगैरह देने के लिए तैयार होंगे, तो फिर से ये रिश्ता खुशहाली में तब्दील हो सकता है, एक नया मोड ले सकता है, ऐसा आप फील कर रहे हैं। अब देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। पेज ऑफ वॉन्ट्स, तो लियो जो आपके पर्सन है, हो सकता है कि अभी भी आप पर ऑनलाइन नज़रें बनाए हुए हैं, अभी भी या फिर आप एक दूसरे के साथ चैटिंग कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं या करना चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि आप अगर चैटिंग करेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे, एक दूसरे के इम्पोर्टेंस को समझेंगे, नए सिरे से एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो धीरे धीरे इस रिश्ते में फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सकती है। तो आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत चाहते हैं आपके पर्सन, और वो चाहते हैं कि नए सिरे से उन चीज़ों को लेट गो करते हुए जो इस रिश्ते में पनौती दे रहे हैं, बाधाएं दे रहे हैं, उन लोगों को, जगह को, सिचुएशन को जो उनके फेवर में नहीं है, अगर उनको लेट गो किया जाता है, उनको छोड़ दिया जाता है फिलहाल के लिए, और इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए स्पिरिचुअल ग्रो किया जाता है ये रिश्ता, और किसी ऐसे सुपीरियर एल्डर गुरु की मदद लेते हुए जो आपके नॉन हैं या इस रिश्ते के बारे में समझदार हैं, तो उनकी मदद लेते हुए अगर इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाता है, तो दोनों तरफ से जो प्यार और प्रेम है, जो अभी भी आप के जो पर्सन है वो आप महसूस करते हैं कि जब से ये रिश्ता बना है वो उनसे दूर हो ही नहीं पाए हैं, ये आत्मिक रिश्ता, जन्म जन्मांतर का रिश्ता, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन ये रिश्ता हो सकता है, अभी भी काफ़ी प्यार और प्रेम करते हैं, तो अगर स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे, हीलिंग मेडिटेशन करेंगे, और जो समय भाग्य आपका साथ दे रहा है, लक आपका साथ देने आ रहा है, तो बिना कोई एडिक्शन के, बिना किसी लस्ट के, उनको छोड़ते हुए गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, प्लेइंग कार्ड्स, नेगेटिव लोगों में रहना, नेगेटिव सोचना, खुद नेगेटिव होना या सामने वाले नेगेटिव होना, उस सिचुएशन को छोड़ते हुए अगर एक दूसरे को माफ़ करते हुए एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे और इस समय की इम्पोर्टेंस को समझते हुए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो जो है आपकी जो दिली तमन्ना है, जो विश फुलफिलमेंट है, तो ये एक दूसरे को माफ़ करते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है। वो चाहते हैं कि कोई भी इसमें माइंड गेम, मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए, अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक दूसरे को चलाने की कोशिश ना करे, तो ये रिश्ता एक अच्छी पोजीशन में जा सकता है, फिर से दिली तमन्ना पूरी हो सकती है, तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं, या फिर हो सकता है कि आप उनसे चाहते हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो देखते हैं लियो आप क्या चाहते हैं। आप परिवार और फैमिली के साथ मिलकर इसमें टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाना चाहते हैं,
आपको लगता है कि अगर मदद लेंगे है, किसी की हेल्प लेंगे, किसी सुपीरियर की, किसी एल्डर की, किसी बड़े भाई बहन की, किसी बड़े बुजुर्ग की, तो रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो आप हेल्प लेते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आपके पर्सन को इसमें हेल्प ले लेनी चाहिए। तो सॉरी गाइस, हाँ लियो, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि भले ही आपके पर्सन ने आपको कितना ही दुख तकलीफ क्यों ना दिया हो, कितना ही परेशान किया क्यों ना किया हो, अभी भी शायद आप उठ नहीं पा रहे, चल नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी चाहे उन्होंने कुछ भी किया है, तो आप चाहते हैं कि आप उठें, चलें और इस रिश्ते को एक नए सिरे से ये आगे बढ़ने का मौका दें, एक बिगनिंग एक शुरुआत चाहते हैं। क्योंकि आप महसूस कर रहे हैं कि जो अंधेरी रात के बाद जो छटना होता है, जो उजाला होता है, वो एक गजब की रोशनी के साथ आता है, या फिर अमावस्या को जो अंधेरी रात होती है, धीरे 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 करके एक रोशनी बढ़नी शुरू हो जाती है और पूर्णिमा तक वो पूरी तरह से रोशन हो जाती है। तो अगर आप महसूस करें कि अगर आप रिश्ते को एक मौका और देंगे तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, और जो भी इस ये रिश्ता जो इतना गहरा रिश्ता है, प्यार और प्रेम है, लेकिन उसके साथ जो भी एडिक्शन, जो भी लस्ट है, उनको आमने सामने बैठ के अगर क्लियर करेंगे, क्लियरिटी लाएंगे, डिसीजन लेंगे समय रहते, तो जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी एडिक्शन, जो भी प्रॉब्लम है, वो ख़त्म होंगी। और आप चाहते हैं कि आप अपने पर्सन की तरफ लव ऑफर लेकर जाएं, या फिर आपके पर्सन आपकी तरफ लव ऑफर लेकर आए, ताकि जो भी गिले शिकवे, जो भी प्रॉब्लम रही हैं, जो भी लस्ट रही हैं, वो ख़त्म हो और उनकी परिवार और फैमिली या किसी नॉन पर्सन की मदद लेते हुए आगे बढ़ेंगे, तो ये रिश्ता एक करवट लेगा और ये रिश्ता फिर से खुशियों में तब्दील होगा। तो ऐसा आप चाहते हैं, और आप ये भी चाहते हैं कि अगर वो इस रिश्ते में वापस नहीं आना चाहते, तो अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो वो उसकी तरफ भी बढ़ सकते हैं। तो इसका जो है आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। द हाई प्रिस्टेस, आप काफ़ी समझदारी से इसमें काम लेना चाहते हैं, अपनी विजडम नॉलेज गेन करते हुए चुप्पी और खामोशी के साथ आप यूनिवर्स पर, यूनिवर्स को, खुद को सरेंडर करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जो भी करेंगे यूनिवर्स ही करेंगे, आप सब कुछ जानते हुए भी आप चुप और खामोश हैं कि सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार किया जाए, तभी चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। तो इसका जो आउटकम है वो इतना काफ़ी परेशानी भरा रहा है, जो ये रिश्ता रहा है, तो जो है इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते, आपको लगता है कि बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं, इसमें काफ़ी स्ट्रेस है, काफ़ी प्रॉब्लम है, आपके पर्सन इसमें चीटिंग कर रहे हैं, फ्रेब कर रहे हैं, धोखाधड़ी दे रहे हैं, तो कुछ कुछ पर्सन हो सकता है कि इस रिश्ते से बाहर निकलते हुए, क्योंकि लग रहा है कि वो जो भी बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, उनके साथ ऑनेस्ट नहीं है, लॉयल नहीं है, उनके साथ चीटिंग फ्रेब है, कोई ऐसा राज, कोई ऐसा मिस्ट्री शायद आपके सामने आ गई है जो चाहते हुए भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आप को लग रहा है कि नहीं, आपको इस रिश्ते में वापस नहीं आना है, और आपको अभी हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहना है, और अगर नई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको उसकी तरफ बढ़ना है। और कुछ केसेस में इसका आउटकम बता रहा है कि चुप्पी और खामोशी के साथ सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार करेंगे, और उन चीज़ों को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं जो इसमें पनौती, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं, ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है कि अगर आप उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करेंगे, उन चीज़ों को बदलेंगे, तो समय के साथ, वक्त के साथ, अगर ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ कोई चीटिंग, फ्रेप, धोखाधड़ी नहीं रखेंगे, वाणी पर कंट्रोल करते हुए मीठा बोलेंगे, इंसानों को यूज़ करने की बजाय चीज़ों को यूज़ करेंगे, तो धीरे धीरे करके फिर से इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सकती है।
तो इन फ्यू केसेस ऐसा सोच सकते हैं, अदरवाइज वो उनको लग रहा है कि ये रिश्ता उनके लिए अभी सही नहीं है, वक्त सही नहीं है, सिचुएशन सही नहीं है, अभी उन्हें इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और अगर नया मौका मिल रहा है, नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो नए रिश्ते की तरफ उन्हें मुड़ जाना चाहिए। तो काफ़ी ये जो इसका आउटकम है बहुत पॉजिटिव नहीं है, लेकिन नेगेटिव भी नहीं कह सकते। कुछ केसेस में वो वेट इंतजार कर रहे हैं, और कुछ केसेस में सही समय आने का, सही वक्त आने का, कि जब तक सही समय वक्त नहीं आ जाता तब तक इसका ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। और कुछ केसेस में इस रिश्ते से बाहर निकलते हुए वो नई अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ना चाहते हैं। देखते हैं एंजल मैसेजेस क्या हैं। एंजल जी मैसेज दीजिए प्लीज़ कि लियो पर्सन को क्या करना चाहिए। फॉरगिवनेस, यस, नो नीड टू वरी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो यूनिवर्स जी गाइड करना चाहते हैं, एंजल जी आपको मैसेज देना चाहते हैं कि आप एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए। फॉरगिवनेस, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए, एक समझदारी के साथ आप इसमें एक्शन लीजिए, इन्फॉर्मेशन काफ़ी कलेक्ट कीजिए, एक दूसरे के बारे में जांच पड़ताल कीजिए काफ़ी तसल्ली से। जब तक आपका मन शांत नहीं हो जाता, जब तक आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करते, जब तक समझ नहीं जाते, तब तक आप आगे मत बढ़िए। और ये समय आपका चिंता करने का नहीं है, ये समय सिर्फ और सिर्फ सोचने का नहीं है, एक दूसरे को माफ़ करने का है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का है। एक दूसरे के से अगर आप बातें करेंगे तो जो गिले शिकवे हैं वो आपके ख़त्म होंगे, और यस डेफिनेटली आप आगे बढ़ पाएंगे, समय आपके फेवर में होगा, आप अपनी मंजिल पर ज़रूर पहुँच पाएंगे। तो चिंता मत कीजिए, चिंता करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए, एक दूसरे के प्रति बातें कीजिए, समझदारी के साथ एक्शन लीजिए। दाएं बाएं से भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है एक दूसरे के बारे में तो वो कलेक्ट कीजिए, और तभी आप आगे बढ़िए। यस, अगर आप ये सब कुछ करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, कदम बढ़ाते हैं, तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ पाएंगे, रिश्ता आपका आपके फेवर में होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है और हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।